उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तो आ। इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। क्या रवीना करना चाहती है अजय के साथ एक आइटम नंबर? क्या मिस्टी मिस्टी चेहरे का होने वाला है रीमेक? कैसे किया दिलवाले ने रवीना की इमेज को सही करने में मदद? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अजय देवगन और रवीना टंडन एक ऐसी बॉलीवुड में जोड़ी रही है जो की अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती थी और काफी ज्यादा रूमर्स में इनका नाम सुनाई देता रहता है। यहाँ तक कि इनके लिंकअप की खबरें इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के रिश्ते में दरार भी आ गई थी। वहीं इनकी कंट्रोवर्सी का एक अच्छा साइड भी था। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कंट्रोवर्सीज ने बहुत मदद की अजय देवगन और रवीना टंडन की फिल्म दिलवाले को पॉपुलैरिटी दिलवाने में। फिल्म दिलवाले थी अपने टाइम की एक काफी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म, यानी कि ये फिल्म इस हद तक हिट हुई थी कि इसकी वजह से कास्ट को काफी फायदा हुआ। फिल्म दिलवाले ने अजय देवगन के साथ साथ फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में सुनील शेट्टी तक को काफी फायदा करवाया। सुनील शेट्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ने में फिल्म का काफी बड़ा हाथ था और उसी साल उन्हें दिलवाले के लिए फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि दिलवाले ने फिल्म की कास्ट को फायदा दिलवाया। फिल्म में एक तरह से सबसे बड़ा फायदा हुआ था रवीना टंडन को। आपको बता दें कि रवीना टंडन की इमेज 1990 के दशक में कुछ खराब हो गई थी और वो इसलिए क्योंकि अजय देवगन ने उन पर काफी इल्जाम लगा दिए थे। फिल्म दिलवाले ने रवीना की इमेज को भी काफी सुधारा और उन्हें एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में दर्शकों के सामने रखा। आप सबको तो याद ही होगा कि काफी समय तक रवीना पे बैड लक होने का टैग ही लगा रहा था क्योंकि उनकी काफी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन दिलवाले के हिट होने के बाद उनपे से ये टैग हट गया था। फिल्म दिलवाले के हिट होने में फिल्म के म्यूजिक ने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया था। फिल्म के कुछ गानों को कुमार सानू ने गाया था, जिसमें से कि उनका काफी पॉपुलर गाना मिस्टी मिस्टी चेहरा आएगा एक बार फिर से दर्शकों के बीच अपनी धूम मचाने। जी हाँ, खबरें ये आ रही है कि फिल्म के सीक्वल में मिस्टी मिस्टी चेहरे का होने वाला है रीमेक और इसमें दिया जाएगा थोड़ा पॉप का टच। हालांकि कौन सा कंपोजर इस गाने पर काम करने वाला है इसकी खबरें अभी नहीं दी गई हैं, जिसकी कंफर्मेशन जल्द ही दी जाएगी। लेकिन सबकी नजरें तनिष्क बागची पर ही हैं, जो कि पहले भी कई रीमेक कर चुके हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये फिल्म रवीना के लिए है कितनी जरूरी उनके कमबैक के लिए, और अपने कमबैक को तगड़ा बनाने के लिए वो हर पैतरा आजमाने के लिए भी तैयार हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक और आइडिया आया है, जो है अजय के साथ एक आइटम नंबर करने का। खबरों की माने तो रवीना ने खुद ही मेकर्स के सामने ये डिमांड रखी है क्योंकि एक बार फिर से अजय और रवीना को साथ देखकर बन सकती है कंट्रोवर्सीज, जो कि मदद करेगी फिल्म को पॉपुलैरिटी दिलाने में। तो आपको क्या लगता है कि अजय और रवीना की बोल्ड केमिस्ट्री देखने को मिलेगी एक बार फिर से? बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।